एडवांस स्टडीज़। तो आज मैं आपको इस वीडियो में इस बारे में बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर के एस डबल ई बी कर डी एल एड 2021 के बारे में। तो यहाँ पर आपको क्या क्या करनी पड़ती है, किस तरीके से करनी पड़ती है, सारे प्रोसेस, सारे स्टेप आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप, और कितने स्कोर कार्ड रहेंगे आपके अप्लाई करने के लिए, कितना वैलिड रहेगा, किस तरीके से करेंगे, और आपके एलिजिबिलिटी क्या करेंगे अप्लाई करने के लिए, कहाँ से आपको जो है सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, अप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से मिलेगा, एडमिट कार्ड कब क्या होगा, रिजल्ट कहाँ से मिलेगा, मेरिट लिस्ट, काउंसलिंग, सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो मेक श्योर कर लीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल बनाएगा तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या करने पड़ेंगे, किसी भी ब्राउजर से google.com ओपन करके वहाँ पर आपको टाइप करने होते हैं के एस डबल ई बी कर के ए आर, ठीक है, कर डेल एड 2021 आई ए एस ए पर, आई ए एस ए पर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है, और कुछ भी करना है कैसे करना है, आई से पर एक एक्सक्लूसिव साइट है जहाँ पर आपको के एस ई बी के रिलेटेड सारी तरह अपडेट नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं। सबसे पहले तो आपको सर्च करनी होती है, सर्च करनी है, सर्च करते हैं यहाँ पर फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करनी, एग्जैक्टली तो जैसे यहाँ पर आप क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट सून, हाँ, फिर यहाँ पर डेट्स, एलिजिबिलिटी, पैटर्न, सिलेबस सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा। इस आपको सबसे पहले इस फॉर्म को फिल करनी होगी जो सामने आपके फॉर्म है, आपका नाम क्या है, आपका ईमेल आईडी क्या है, अपना ईमेल आईडी यहाँ पर आपको टाइप करने होते हैं, कौन से स्टेट के रहने वाले, अपना स्टेट यहाँ पर सेलेक्ट करने होते हैं, सिटी क्या है आपकी, सिटी सेलेक्ट करना, कौन से कोर्स में इंटरेस्ट है आपको, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस क्या है, फिर गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक कर देना आपको। तो उससे क्या होगा कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर और आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एसएमएस आते रहेंगे। तो आपको क्या करना है, गेट फ्री काउंसलिंग पर क्लिक करना है, ठीक है। तो कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड देख सकते हैं, वीडली ऑफ रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट्स, यहाँ पर आपको गवर्नमेंटली ऑथराइज के थ्रू यहाँ पर करेक्टली होती रहती है, स्कूल ऑफ एजुकेशन बोर्ड ऑफ द एलिमेंट्री एज द सेकेंडरी लेवल के, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसका एम होता है कि आपका जो भी बच्चे यहाँ पर एलिजिबल हैं, इंटरेस्टेड हैं, तो यहाँ पर अप्लाई कीजिए इस इंस्टीट्यूट के लिए, ठीक है। डिप्लोमा कोर्स दैट द बोर्ड ऑफ कोर्सेस, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या बताया गया है कि हाईलाइटेड चीज़ यहाँ पर बताई गई कि किस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखनी होती है, बहुत सिंपल है, काफ़ी इजी है। चलिए आगे देखते हैं, नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको एक गुड न्यूज़ बताना चाहता हूँ। गुड न्यूज़ ये है कि देश के टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में फुल फ्लो एडमिशन स्टार्ट है। तो आपको इसमें से किसी न किसी एक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ज़रूर लेना चाहिए। यहाँ पर आप बस आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करके अप्लाई करना है उस इंस्टीट्यूट, उस यूनिवर्सिटीज़ के लिए जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। तो यहाँ पर आप नीचे आएंगे, एग्ज़ाम नेम यहाँ पर देख रहे थे के एस ई डबल बी कर डी एल एड, यहाँ पर फुल फॉर्म कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यहाँ पर यूजी लेवल का इसका एग्ज़ाम होता है और स्टेट लेवल का इसका एग्ज़ाम लेवल है, और कर्नाटका सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड यहाँ पर देख रहे थे, अप्लीकेशन मोड यहाँ पर ऑनलाइन मोड से होता है, ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू यहाँ पर कर्नाटका मोड देख सकते हैं। एग्ज़ाम डेट यहाँ पर आपको अनाउंस की जाएगी और एग्ज़ाम ड्यूरेशन 3 आवर्स का है। ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर HTTP, मतलब ये ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है। ऑफलाइन मोड हेल्पलाइन नंबर आपके सामने यहाँ पर, तो हेल्प के लिए कुछ भी चाहिए तो कस्टमर यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे आपके लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट डेट्स यहाँ पर आपको सामने यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अप्लीकेशन फॉर्म कभी कौन से डेट पर सारी चीज़ें होगी, लास्ट डेट अप्लाई करने के लिए क्या है, लास्ट डेट फॉर रीसबमिटिंग के लिए, मतलब अब सारी चीज़ें आप देखना है, ये डेट पे ही होती है। अप्लीकेशन फॉर्म उसके बाद रिलीज़ की जाएगी तो ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू, तो ऑफिशियल तो वहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू सबमिट करने होते हैं, कौन से डेट पे करनी होती है सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली होती है, कुछ भी इसमें फ्रॉड नहीं, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिटेल्स, एजुकेशन डिटेल्स, कोर्स रिलेटेड डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको देनी पड़ती हैं, और पेरेंट्स फर्दर डिटेल्स सब कुछ यहाँ पर आपको देने पड़ते हैं। आपके डॉक्यूमेंट्स, फोटोग्राफ्स के फोटोग्राफ्स, सिग्नेचर्स भी यहाँ पर आपको अपलोड करने पड़ते हैं, ठीक है। फिर आप जब आप सबमिट करते हैं तो अप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंटआउट आपके निकाल लेने होते हैं, काफ़ी कंपलसरी है और इम्पॉर्टेंट भी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट रहता है, कभी भी कुछ भी रहता है तो आप देख सकते हैं ऑफलाइन मोड से, तो आपके पास ये अप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंटआउट होनी चाहिए, ठीक है, और फ्यूचर यूज़ में काफ़ी काम का है ये। फिर अप्लीकेशन फॉर्म के फ़ीस यहाँ पर लगते हैं, फ़ीस देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पेमेंट करने हैं, बताया गया अलग अलग कैटेगरी अलग अलग के लिए। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्या रहनी चाहिए अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर आप इंफॉर्मेशन इसका इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिजिबिलिटी गिवन बिलो,
आपको बता दी जाएगी, ठीक है। इम्पोर्टेंट पैटर्न्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू बताई जाएगी, तो एग्ज़ाम का पैटर्न्स यहाँ पर आपको बताया जाएगा। फिर एडमिट कार्ड आपको रिलीज़ कर दी जाती है ऑफिशियली वेबसाइट के थ्रू कर्नाटका के, तो ऑनलाइन मोड से आपको जो सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। तो आप क्या करेंगे, उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना होता है, और उसके बाद प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको जो है, जब आपका एग्ज़ाम रहेगा तो आपको साथ में ले करके आपका हॉल टिकट लेकर के जाना। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको चूज़ करना है, तो देख लेते अपने सेंटर कौन कौन सा कहाँ कहाँ। मेरिट लिस्ट उसके बाद रिलीज़ कर दी जाती है, ये डिपेंड करता है आपके रैंक पे, आपके रैंक कार्ड पे कितना आपने जो है मार्क्स लाए हैं, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाती है, उसके बाद मेरिट लिस्ट रिलीज़ कर दी जाती है। यहाँ पर रिज़ल्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर ही रिलीज़ की जाएगी, जहाँ से आप PDF फॉर्म में अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर रिज़ल्ट यहाँ पर कर्नाटका का देख सकते हैं। काउंसलिंग डेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो आपके काउंसलिंग राउंड में वही आएंगे बच्चे जिसका मेरिट लिस्ट में नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर सारे जो है कौन कौन से लेटर्स अलॉटमेंट होते हैं, सारे अलॉटमेंट सीट्स सब कुछ यहाँ पर जो है डिसाइड होता है, कौन कौन से सीट अलॉटेड कॉलेज में अलॉटेड है किस में, तो यहाँ पर आपको सारे राउंड होते हैं अलग अलग जो काउंसलिंग में होते हैं सारी चीज़ें, ठीक है। काफ़ी सिंपल है, और ये इस तरीके से सारी चीज़ें करनी है। किसी भी चीज़ में आपको डाउट है तो डेफिनेटली कमेंट कीजिए, और ऐसे वीडियो फ्यूचर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर ये वीडियो पसंद आती है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।